सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नए घर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। रामदेव डेयरी फार्म की आज की अपनी विजिट है जी। गांव 22 ML, तहसील व जिला श्री गंगानगर, राजस्थान का ये एरिया भाई। और पहली वीडियो इस घर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में जितनी भी गाय आप लोग सामने देख रहे हो, सभी की सभी सेल के लिए अवेलेबल भाई साहब के पास हैं। डिटेल बातचीत आगे की करते हैं रवि जी के साथ, और आज वाली गायों की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर। सत श्री अकाल जी रवि जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत काम काज, घर परिवार कैसा है जी? बहुत अच्छा भाई साहब। अच्छा है? हाँ जी, अच्छी बात है। पहली बार आपके पास आज आया हूँ भाई। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। बेसिक से शुरू करूंगा भाई, प्रॉपर एड्रेस पहले बता दीजिए, क्या एड्रेस है जी अपना यहाँ का? अपना जी प्रॉपर एड्रेस जिला श्री गंगानगर, तहसील और जिला श्री गंगानगर, 22 ML गाँव है, नज़दीक में गंगानगर के लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड हाईवे पर, सूरतगढ़ वाला जो, हाँ सूरतगढ़ हाईवे है ना, इसी रोड पर 22 ML गांव आता है। ओके, उस गांव में अपनी रोड के ऊपर डेयरी फॉर्म है। ओके जी, तो भाई कितने के समय से व्यापार का काम कर रहे हो भाई साहब? मैं लगभग 2008 से पशुओं का काम कर रहा हूँ, गाय भैंस का। हाँ जी, और गाय भैंस दोनों पर ही कर? हाँ जी, हाँ जी, गाय भैंस दोनों। लेकिन दोनों आज की जो वीडियो, इसमें जो पशु हम लोग दिखा रहे हैं, एनिमल दिखा रहे हैं, सब एकदम गाय दिखानी है सभी के? हाँ जी, हाँ जी, आज एकदम गाय आएगी अपने। और गायों की ब्रीड की बात करूँ तो एचएफ क्रॉस और एक जर्सी। हाँ जी, हाँ जी, सही है जी। आज जैसे 10 गाय मैंने गिनती की कि आपके पास हैं। हाँ जी। इतनी रहती हैं हमेशा या कम ज्यादा हो जाती हैं? बस कम तो होने का चांस ही नहीं जी, 10 से 15-20 गाय हमारे पास रहती है हर दम। अच्छा जी, टाइम में। और लोकल में कितनी की गाय सेल कर देते हो भाई? लोकल में भाई साहब डेली के दो चार गाय सेल होती है अपने पास से। मेरे पूछने का मकसद ये था। हाँ जी, कि आज दिन कौन सा है जी? बुधवार है। हाँ जी, बुधवार है। आज मंगलवार है। हाँ, मंगलवार। और कल बुधवार को अपनी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। कहने का मतलब, कभी कभार ये रहता है किसी भाई को वीडियो देख कर कोई गाय पसंद आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये ना बोलो कि गाय सेल होगी, तो एक ओवरव्यू दे दिया भाई, 3-4 गाय सेल हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आशा है कि जब तक वीडियो अपलोड हो जाएगी तो कुछ ना कुछ गाय बीच में से चली जाएंगी। ठीक है। अभी भी मैं जैसे देख रहा था, कस्टमर भाई आए थे, हाँ जी, एक दो गायों के दाम लगा रहे थे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे था। हाँ जी, हाँ जी। तो हो सकता है कभी कभार बिक जाए। वो बोलते हैं कि ग्राहक और मौत का क्या पता, पता नहीं होता जी। सही है जी। तो भाई कैसी कैसी गाय अपने पास, कितने के दाम से शुरू होते हैं गाय? देखो जी, गाय अपने पास 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक गाय होती है जी। मिनिमम कम से कम 40,000? हाँ जी, कम से कम 40,000। ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख? हाँ जी, ज्यादा। 40,000 वाली भाई कितना दूध मानते हो? मान के चलो नॉर्मल सी बात है भाई साहब, 12 लीटर दूध दोनों टाइम का देगी। 12 लीटर? हाँ जी। ब्रीड कौन सी होगी? क्रॉस ब्रीड में होगी। बस क्रॉस में? हाँ जी। और 1.5 लाख वाली का कितना मानते हो भाई? 1.5 लाख वाली को 35-40 लीटर दूध देगी भाई साहब। वो कौन सी ब्रीड होगी? एचएफ होगी बस। वो एचएफ? हाँ जी। आपके राजस्थान की होगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो अच्छी बात है जी। और जो आप सेल का जो काम करते हो, चलो लोकल का तो हम लोगों ने बातचीत कर ली है ना जी। हाँ जी। बाहर वाली स्टेटों में कहाँ कहाँ का ज्यादा काम है भाई? बाहर वाली भाई साहब सभी साइड की अपने पास पार्टियां आती हैं। अच्छा जी। और माल ऑनलाइन भी अपना जाता है। कहाँ कहाँ के लिए ऑनलाइन कहाँ कहाँ भेजते हो? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, काफी स्टेट में अपना माल चला जाता है भाई साहब। कहने का मतलब जहाँ से भी कोई भाई, हाँ जहाँ से भी कोई खरीदना चाहे वहाँ तक अपने माल भेज भी देते हैं, ऑनलाइन भी भेजते हैं। अगर कोई वहाँ से ग्राहक यहाँ पे आएगा तो अपने पास माल नहीं पसंद आएगा तो उसको दूसरी साइड से माल दिला देंगे, किसान के खुंटे से माल दिला देंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब रहने बहने की व्यवस्था? हाँ, रहने बहने की व्यवस्था मिलेगी, भी मिलेगा। बाहर से गाय घूमकर खरीदने की सुविधा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। तो फिर ऐसा करते हैं रवि भाई, ज्यादा समय नहीं लेता जी। हाँ जी। गाय अपनी है चलाने वाली, अच्छी अच्छी गाय दिखाएंगे आगे। हाँ जी, हाँ जी। साथ में जो आगे की गायों की डिटेल है वो आगे बातचीत। हाँ ठीक है। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफी होगी जी, भाई के काम के बारे में जानकारी हम लोगों ने शेयर कर दी आप लोगों के साथ। पहली गाय इससे आगे आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, और बिल्कुल ताजी ब्याई हुई है। बात करूँ तो जेर मेरे हिसाब से अभी गाय की गिरानी बाकी है, क्वालिटी देखते जाइए। क्रॉस ब्रीड की ज़्यादा गाय है तो उसी हिसाब से ये आर्डर अच्छा खासा, मेरे हिसाब से घंटा दो घंटे हुए हैं इसे ब्याई को, इससे ज़्यादा समय नहीं होगा। रवि भाई क्या डिटेल है जी इसकी? भाई साहब इसका पहुँच बता रहे हो क्या, वैसे पूछ रहे हो यहाँ पे खड़ी का? पहले तो ब्यांत की डिटेल, दूध की डिटेल। अच्छा भाई साहब, ये दूसरी ब्यांत बच्ची है। अच्छा जी। अभी घंटे पहले ब्याई है ये। बच्चा क्या दिया जी? बच्चा बछड़ी दी है जी इसने। बछड़ी दी? क्रॉस ब्रीड में है? क्रॉस ब्रीड में है जी। साहिवाल और जर्सी का क्रॉस मेरे को तो लग रहा है भाई। हाँ, बाकी आप ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी सर, यही है। ओके।
और भाई कितने दूध वाली है? भाई साहब इसने पहले ने दिया है 25 लीटर दूध गारंटी शुदा। अच्छा जी, अब की बार 25 तो मान के चलो अपने देगी, ये 25 दे देगी। हाँ जी, और फैट कितनी मानते हो भाई इसकी? फैट तो सर अब पता चलेगा निकालने के बाद ही कितना होगा। ये भी अच्छी बात है कि ऐसे ही नहीं, बातों वाली बात नहीं। हाँ, बातों वाली झूठी बात नहीं करेंगे, निकलेगा तब पता चलेगा। हाँ जी, फैट लेकिन आएगी अच्छी इसकी। हाँ जी, हाँ अच्छी आएगी, इस गाय की क्वालिटी सब इसकी फैट अच्छी आएगी जी। भाई क्या दाम कर रहे हो जी इसका, यहाँ का दाम? भाई साहब यहाँ पर अगर कोई ग्राहक लेना चाहे तो इसको 65,000 रुपये की एक ही दाम करेंगे, कम नहीं होगा, 65,000 रुपये की देनी जी। 65,000, 65,000 फुल एंड फाइनल। हाँ जी, और घर पहुंच वाली सुविधा भी है भाई? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। कितने किलोमीटर तक करते हो भाई? 5-6 किलोमीटर के दायरे में ये गाय 70,000 की घर पे पहुंच कर देंगे। हाँ दोस्तों, ये बात भाई ने सच्ची सुच्ची बात की आप लोगों के सामने। 65,000 कोई भी भाई यहाँ से खरीदता तो 65,000 ही दाम रखा गया है। 500 किलोमीटर की सुविधा लेनी है, घर पर गाय चाहिए तो 70,000। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ आइए तसल्ली कीजिए फिर खरीद कर लेकर जाइए। अगर इधर आकर खरीदोगे तो 65 की मिलेगी। मान सम्मान कितना करवाते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। दूध निकाल कर देखिए, बच्चा देखिए, गाय के आंचलों की तसल्ली कीजिए, ब्यांत की तसल्ली कीजिए, सब कुछ देख कर फिर लेकर जाइए। बांधिए भाई इससे आगे दूसरी गाय ले आइए जी। दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और ये क्रॉस ब्रीड की अच्छी गाय, ऊंचे कदकाठ वाली भारी भरकम गाय आप लोगों के सामने आ गई जी। हाँ जी रवि भाई, डिटेल बताते जाइए जी इसकी। हाँ जी भाई साहब, इस गाय की यहाँ पे अगर कोई गाय यहाँ से आके यहाँ पे खरीद रहा है भाई, पहले ना जो डिटेल जब मैं पूछता हूँ तो ब्यांत और दूध से शुरू किया कीजिए, दाम की बात हम लोग अंत में करेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, ये भाई साहब दूसरे ब्याहिए भी। अच्छा जी, प्रेग्नेंट है, 15-20 दिन निकालेगी, 15 दिन तो नॉर्मल सी बात निकालेगी। अच्छा जी, प्रेग्नेंट है जी। इसने पहले ने दिया था भाई साहब 25 लीटर दूध, अब दूसरी ब्यांत तो 30 लीटर दूध की आशा है मेरे को। 15-20 दिन निकाल देगी? हाँ जी, हाँ जी 15 दिन तो निकालेगी भाई साहब। अच्छा जी, और आशा नहीं बोली आप कि आशा है इतना दूध देगी, गारंटी वाला बोलिए कि कितना? गारंटी वाला 25 तो खरा है जी देगी। सही है जी, 25 तो कोई किंतु परंतु नहीं, 25 लीटर तो दूध देगी। ओके, और आगे आशा करते हैं पहले ने 25 दिया है तो अब की बार 30 लीटर दूध देगी। सही है जी, और क्या दाम कर रहे हो भाई इसका? बस अब यहाँ पे इसको अपने 85,000 रुपए की देंगे। 85, हाँ जी 85,000। अगर कोई भाई 500 किलोमीटर तक मंगवाता है तो प्लस 5,000। हाँ 5,000 रुपए भाई सब, बाकी कुछ ना कुछ तो मान सम्मान करोगे। हाँ बाकी कुछ, हाँ कोई बात नहीं भाई सब, कोई ये तो नहीं कि लकीर खींचने की इतने की देनी है। हाँ जी, हाँ जी सही है जी। बाकी दोस्तों गाय आप लोगों के सामने, कॉन्टेक्ट नंबर भाई का स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जी, आप लोग बातचीत कर सकते हो। ले जाइए भाई, बांधिए, तीसरी गाय ले आइए जी इससे आगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और ये क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। हाँ जी रवि भाई, डिटेल बताते जाइए जी। बस अब ये दूसरी ब्यांत है। ओके जी, अभी प्रेग्नेंट है, 10 दिन बाकी निकालेगी। 10 दिन दूसरे ब्यांत के? हाँ जी। और भाई कितनी की दूध क्षमता वाली है जी? दूध भाई साहब दोनों टाइम होगा 15 लीटर दिहाड़ी में दूध देगी जी ये। 15 लीटर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ इतने वाली लगती भी। हाँ जी, इसका अगर 20 बोले तो 20 गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, और भाई साहब क्या दाम कर रहे हो जी इसका? भाई साहब यहाँ पे अगर कोई लेना चाहे, हाँ जी, तो यहाँ का रेट है इसका 35,000 रुपये। हाँ ना? अच्छा जी, दाम बिल्कुल जाई बता रहा हूँ मैं, इससे कम नहीं होगा। ओके, अगर कोई 500 किलोमीटर की दूरी में मांगे तो बाकी वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। ओके जी, तो भाई सभा वगैरह तो शांत रहेगा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथ फेर के देखो, नीचे बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, ले जाइए भाई, बांधिए, चौथी गाय इससे आगे ले आइए। चौथे नंबर पर दोस्तों एक और गाय क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। रंग रूप काफ़ी डिफरेंट, प्यारा रंग रूप है जी इस गाय का भी, दिखने परखने में काफ़ी अच्छी है, अडर भी काफ़ी ढीला भी पड़ा हुआ है, मीडियम हाइट में है। और रवि जी क्या डिटेल है भाई इसकी? भाई सब ये दूसरी व्यंत भी आएगी। हाँ जी, अभी ये प्रेग्नेंट है। कितना समय जी? 10 दिन तो नॉर्मल सी बात ले जाएगी। ओके, और इसने पहले ने 9 लीटर दूध दिया अपनी गारंटी शुदा से, एक टाइम का 9 लीटर दूध। हाँ जी, यानी कि पूरे दिन का 18 लीटर दूध इसने पहले ने दिया है। अच्छा जी, अब की बार मेरे को आशा है 22 लीटर दूध प्लस देगी ये वाली। ओके जी, क्या दाम कर रहे हो भाई इसका? बस अब यहाँ पे तो अगर कोई ग्राहक आकर यहाँ पे कोई खरीदे तो 40,000 रुपये की है। ओके, और बाहर भेजी भी जाएगी तो उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा अलग से लगेगा। ओके जी, सही बात है भाई आपकी, ना मेरे को ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि आप जो चीज़ है पहले यहाँ का दाम बताते हो,
हाँ बाद में बोल देते हो, क्योंकि ना काफी कस्टमर इसमें ना थोड़ा सा गुमराह बोल सकते हैं, गुमराह हो जाते हैं कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन मिलती है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, कान खुद का ही पकड़ा जाना, चाहे सीधा पकड़ लो चाहे ऊपर से पकड़ लो, जेब से किसी ने पैसे नहीं देने, पैसे आपकी जेब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, क्या दाम बताया था भाई यहाँ का? यहाँ का भाई साहब 40,000 रुपए। ओके जी, ले जाइए भाई, बांधिए। इससे आगे पांचवी गाय ले। पांचवें नंबर पर दोस्तों एक और गाय, क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने आ गई। ज्यादा गाय दोस्तों, जैसे स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने बातचीत की, ओवरव्यू दिखाया कि ज्यादा गाय क्रॉस ब्रीड में है, ऊंचे कद काठ की है, आर्डर की तरफ से काफी शानदार खुला आर्डर है, पूरा बढ़िया, आंचलों का साइज गैप बहुत अच्छा है। रवि जी, क्या डिटेल है भाई इसकी? भाई साहब ये दूसरे ब्यांत ब्याएगी बच्चिया। हाँ जी, अभी इसके 15 दिन बाकी पड़े हैं, दूसरे ब्यांत के लिए अभी 15 दिन है। तो इसने पहले ने 20 लीटर दूध दिया था। अच्छा जी, तो अब की बार मैं इसकी आशा करता हूँ 25 लीटर दूध देगी ये वाली बच्चिया। अच्छा जी, और स्वभाव की बिल्कुल सुधी ठंडी है। हाँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाल ढाल से पता लग जाता है एनिमल का कि कैसा है, कोई उछल कूद वाली बात नहीं। हाँ, वो बात नहीं है। हाँ जी, बाकी आर्डर भी दिखने परखने में की अगर बात करूं, आर्डर भी काफी साफ सुथरा बना हुआ है, फिटिंग वाला आर्डर है। हाँ जी, हाँ जी। क्या दाम भाई कर रहे हो जी इसका? भाई साहब यहाँ का, इसका अगर कोई ग्राहक यहाँ आकर अपने से सीधी खरीदे, हाँ जी, तो 70,000 रुपए की है। 70,000? हाँ जी। और अगर कोई ट्रांसफर की तरफ से जाएगी तो उसका खर्चा अलग लगेगा, 5,000 रुपए, 500 किलोमीटर की दूरी में। सही है जी, बाकी जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती जाएगी, हाँ जी, वो दाम बढ़ता जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कम हो जाती, कम होगी तो उससे कम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ सही है जी, ले जाइए भाई। इससे आगे छठी गाय ले आइए जी। इससे आगे छठी गाय दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी, क्रॉस ब्रीड में अच्छी गाय है, दूध के लिए बढ़िया रहेगी। जो भी भाई घर पर दूध पीने के लिए खरीदना चाहता है, ब्याने वाली है अभी मेरे हिसाब से। रवि जी, ब्याने वाली है? हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, अभी प्रेग्नेंट है, 15 दिन बाकी पड़े हैं इसके। 15 दिन? कौन से ब्यांत में जी? ये भाई साहब दूसरे ब्यांत में जी। ओके जी, और कितने की दूध क्षमता वाली है भाई? भाई साहब इसके लगभग 20 लीटर दूध, पहले ने दिया था 16 लीटर दूध। अच्छा, अब की बार मैं आशा करता हूँ 20 लीटर दूध देगी, 20 से प्लस ही देगी। ये भी बात अच्छी है आपकी, बिल्कुल ठंडी सुधी साफ सुथरी, अच्छे स्वभाव की है, दिखने परखने में भी खूबसूरत है। बाकी आर्डर की तरफ से बात करूँ तो बहुत शानदार। और एक बात दोस्तों अपनी तरफ से ये भी बताना चाहता हूँ कि दोपहर 12:15 बजे का टाइम है जी, और गर्मी इतनी कह के बुरा हाल हो चुका है जी खुद का, तो लेकिन गायों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, सिंपल नॉर्मल पंखे चल रहे हैं, कोई ऐसी बात हाँफने वाली बात ही आप लोगों को नहीं देखने की मिलेगी। कहने का मतलब किसी भी एरिया से कोई भाई इन्हें खरीद कर लेकर जाए, वहाँ जाकर आराम से सेट हो जाएंगी। भाई क्या दाम रखा गया जी? भाई साहब अगर कोई यहाँ से सीधा ग्राहक अपने से लेता है उसके लिए 50,000 रुपये की है। 50,000? हाँ जी। और 500 किलोमीटर पर 5,000? हाँ जी। सही है जी, ले जाइए भाई, बांधिए। सातवीं गाय ले आइए जी। इससे आगे सातवीं गाय दोस्तों आप लोगों के सामने है। ये ज़्यादा साहीवाल में पड़ती है, इसे ज़्यादा क्रॉसिंग में नहीं बोलूँगा, प्योर साहीवाल तो नहीं है लेकिन ज़्यादा साहीवाल में बोल सकते हैं। क्वालिटी देखते जाइए, कद काठ भी अच्छा, आर्डर की तरफ से आंचलों की तरफ से भी अच्छी है। रवि भाई क्या डिटेल है? भाई साहब ये तीसरी ब्यांत भी आएगी अभी। अच्छा जी, ब्याने वाली है? हाँ जी, ब्याने वाली है, प्रेग्नेंट है, 15 दिन बाकी पड़े हैं अभी इसके। हाँ जी, तो इसने दूसरे ब्यांत में 20 लीटर दूध था पूरे दिन का। अच्छा जी, तो मान के चलो 20 से प्लस ही दूध देगी ये वाली गाय। ओके जी, क्या तो बिल्कुल ठंडे स्वभाव की है। दाम क्या कर रहे हो भाई? भाई साहब यहाँ पे कोई आता है तो उसके लिए 55,000 रुपये की है। 55,000? 55,000। हाँ जी। बाकी दोस्तों गाय आप लोगों के सामने पतली चमड़ी वाली है, तो दूध वाले लक्षण कहने का मतलब इस गाय में है, आर्डर की तरफ से बढ़िया है। दाम भी भाई ने बताया 55,000, मान सम्मान कितना करवाते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड। ले जाइए भाई, बांधिए। इससे आगे आठवीं गाय लेकर आइए जी। इससे आगे दोस्तों आठवें नंबर पर ये एक और HF ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने है जी। क्वालिटी देखते जाइए, रंग रूप देखिए। रवि जी डिटेल बताते जाइए भाई। भाई साहब ये दूसरी ब्यांत है, प्रेग्नेंट अभी। कितना समय भाई पड़ा अभी? अभी ये ले ली जी, 10 दिन तो ले ली, हफ्ता मान के चलो। अच्छा जी, और इसने पहले ने दूध दिया था भाई साहब 25 लीटर। 25 लीटर? हाँ जी। इस बार कितना दे देगी जी? मैं आशा करता हूँ 30 लीटर दूध से प्लस देगी इस बार। अच्छा जी, और भाई क्या दाम इसका रखा गया जी? भाई साहब कोई यहाँ पर अगर कोई आकर लेना चाहे, हाँ जी, तो 75,000 रुपये की है। 75,000? हाँ जी। 75,000? एक ही बात पूछूंगा भाई, एक बार रोक लीजिए सामान दोस्तों, स्किन के ऊपर एक बार आप लोग देखिए इसके। ये बोल सकता हूँ कि जो चीज़ भी है वो रवि जी से जानेंगे। रवि जी इसके बारे में क्या बोलोगे जी? स्किन के ऊपर भाई क्या हुआ जी इसके? वो तो सर पहले
कोई पहले जो लंपी आई थे ना, हाँ जी, उस लंपी के कोई मोटे निशान तो बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरी है। ये चीज है, हाँ जी। पता क्या, मेरे को मालूम है लेकिन मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर कैमरे के सामने मैं बैठा हूँ, कैमरे के पीछे बैठा हूँ, बिल्कुल मेरा ये फर्ज है कि मैं ग्राहक की नजर से गाय को देखूं, तो ग्राहक की सेटिस्फेक्शन करानी जरूरी है। दोस्तों लंपी बीमारी जो पीछे आई थी उसके धब्बे जिन गायों, जो भी गाय लंपी की चपेट में आई थी अब सही हो चुकी है, उनके ऊपर ये धब्बे आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इससे घबराने की 1% भी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये नॉर्मल बात है, ये समय के अनुसार ठीक हो जाएंगे। सही है, जैसे हमारे अपनी बात करें चिकन पॉक्स की दोस्तों बीमारी आ जाती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके धब्बे बन जाते हैं, बन जाते कोई हैं। ऐसी बात नहीं भाई, क्या दाम रखा गया जी इसका? दाम बोला था ना अभी आपको, बताया होगा कितना बताया जी? ये अगर कोई यहाँ से सीधा ले तो 75,000 रुपए की जी। ओके जी, ले जाइए भाई, बांधिए। इससे आगे एक और गाय, अपनी नौवीं गाय लेकर आइए जी। नौवें नंबर पर दोस्तों एक और ये जर्सी ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। पहले तो क्वालिटी ब्रीड वाइज देखकर चेक कीजिए, कितनी शानदार ब्रीड, क्वालिटी कितनी अच्छी है। रवि जी डिटेल भाई बताते जाइए जिसकी। भाई साहब ये पहले ब्याई हुई है, पहले बार में? हाँ जी। कब की ब्याई है जी? ये परसों की ब्याई हुई है भाई साहब। परसों की ब्याई, और बच्चा क्या जी? बछड़ा है भाई साहब पीछे। कितने दूध वाली है भाई? दूध भाई साहब ये 20 लीटर से प्लस देगी अभी ये, यार इसके बोला है दोनों टाइमों का 15-16 किलो। 15-16 लीटर, हाँ जी। और क्या दाम भाई कर रहे हो इसका? भाई साहब ये कोई इसका दाम है भाई साहब, यहाँ का दाम है 65,000 रुपए। 65, हाँ जी। बाकी गाय क्वालिटी में काफी शानदार, हाँ जी बिल्कुल क्वालिटी में। और अदर की तरफ से दोस्तों आप लोग ना एक बार चेक कीजिए कि कितनी शानदार दिखने परखने में, कितनी प्यारी। 65,000 दाम, बाकी मान सम्मान के अपने भाई ने कर ही देना थोड़ा बहुत, जैसे आप लोगों की इच्छा है। ले जाइए भाई, बांधिए जी। इससे आगे दसवीं गाय लेकर आइए। इससे आगे दसवें नंबर पर दोस्तों एक और क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने है जी। अभी दोस्तों चलती हुई वीडियो के दरमियान ही आप लोगों ने पीछे नोटिस किया होगा, ये गाय अभी यहाँ पर पहुंची है, इसी वजह से गर्मी में आई है, थोड़ा सा इसी वजह से हाँफ रही है। लेकिन नहीं है, ऐसे तो गायों में ना यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं रहती हाँफने वाली, ब्याने वाली है अभी। रवि जी डिटेल बताते जाइए। भाई साहब ये दूसरे ब्यांत है। अच्छा जी, और इसने पहले नहीं दिया 20 लीटर दूध। हाँ जी, अडर अच्छा अभी खासा बना रखा है। हाँ, अभी ये प्रेग्नेंट है, कोई 2-4 दिन निकालेगी। 2-4 दिन, हाँ जी। कितने की दूध वाली इस बार रहेगी भाई? अब की बार 25 लीटर दूध तो भाई साहब ये देगी। अच्छा जी, 25 लीटर दूध से कम नहीं होगा। अच्छा, क्या दाम कर रहे हो भाई? भाई साहब इसका दाम है 60,000 रुपए। 60,000, हाँ जी। यहाँ का जो दाम है 60,000, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ का दाम है जो। बाकी आप लोगों को पहले भी बताया गया, कोई भाई घर बैठे मंगवाना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और गाय की क्वालिटी आप लोगों के सामने आंचलों की तरफ से अच्छी है, पतली चमड़ी वाली दूध वाली गाय है। ले जाइए भाई, बांधिए। इससे आगे अंत में जो अपनी गाय रहेगी जी वो ले आइए। इससे आगे दोस्तों आज की वीडियो में अंत में 11वें नंबर पर जो बछड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी है जी, आज वाली सभी गायों में सबसे सस्ता दाम है इसका। क्वालिटी देखिए पहले तो, बिल्कुल छोटी सी एज की बछड़ी अभी बोल रहा हूँ जैसे मैं। रवि जी क्या डिटेल है भाई इसकी? भाई साहब ये पहले ब्याई है, अभी मुंह से दो दांत है ये। दो ही दांत और पहला, हाँ दांत। कब की ब्याई है भाई ये? भाई साहब आज सुबह ब्याई है। बच्चा जी? बछड़ी है जी इसके पीछे। बछड़ी, हाँ जी। और अभी तो खुद भी बछड़ी और पीछे, हाँ, अभी बिल्कुल बछड़ी है जी। कितना दूध दे देगी भाई? भाई साहब ये नॉर्मल सी बात है, 12 लीटर दूध दे देगी दोनों टाइमों का, निकालने वाला 12। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल सुधी ठंडी है, ऐसे नहीं बिल्कुल लात मारेगी जब कोई और देखो, बच्चा भी बैठ जाए नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब क्या दाम कर रहे हो जी इस बछड़ी का? भाई साहब इसका दाम तो क्या दाम है, बिल्कुल ही इसका दाम 32,000 रुपए रेट है जी। मात्र 32,000 जो दाम रहेगा वो यहाँ का दाम, हाँ जी, यहां का। आगे का जैसे हम लोग पहले बता, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। ये होगी जी आज वाली गायों की डिटेल, हाँ जी। सभी की सभी 11 की 11 गाय चलाकर दिखा दी, सभी तरह की क्वालिटी देखने वाले भाइयों के साथ शेयर कर दी, सही है जी? हाँ जी भाई साहब, सभी की सभी गाय चलाकर दिखा दी, हाँ जी भाई, सभी गायों की डिटेल साथ में शेयर कर दी देखने वाले भाई, हाँ जी भाई साहब। जो भी भाई आना चाहता है रहने बहने की व्यवस्था के बारे में बता दिया, इधर आइए रहने बहने की व्यवस्था मिलेगी। भाई बच्चा देखिए, उस गाय का बच्चा गिर गया मेरे हिसाब से नीचे, और कोई भाई बाहर से खरीदना चाहता है तो वो सुविधा भी मिलेगी। बिल्कुल भाई साहब, रहने की सुविधा मिलेगी उनको, हाँ जी। और अगर हमारे से कोई माल लेगा तो भी ठीक है, नहीं तो किसान के घर से गाय दिलाई जाएगी उसको, बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी उसके बीच में। ओके जी, सही बात है। तो अंत में रवि भाई यहाँ का जो अपना प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, 22 ML तहसील और जिला श्री गंगनर, सिर्फ हाईवे रोड के ऊपर, गंगनर से 5-7 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा सुरतगढ़ रोड की तरफ, हाँ जी। तो बिल्कुल रोड के ऊपर है 22 ML।
ओके जी, हाँ जी। कॉन्टैक्ट नंबर भाई अपना, कॉन्टैक्ट नंबर भाई सब 93519 13382। ओके जी, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके।